हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको जो इंजीनियरों के पद खाली हैं सिंचाई और लोक निर्माण विभाग यानी PWD में, उसके बारे में जो एक विज्ञप्ति छपी हुई है पेपर में, उसे हम डिटेल से आपको समझाएंगे। देखो, कह रहा कि कार्मिक संगठनों ने शासन को पत्र लिखकर पदोन्नत की मांग की है। कह रहा सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में 33% इंजीनियरों के पद खाली। अब इसके बाद देखिए क्या इसमें कहा गया है। करेक्ट, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग में सिविल व यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं के करीब 33% पद खाली हैं। लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के 153, सिंचाई विभाग में 222 पद रिक्त हैं। अभियंता संवर्ग में कई बार शासन को पत्र लिखकर DPC यानी विभागीय चयन समिति कराने की मांग की, जिससे अभियंताओं का प्रमोशन हो सके, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। इससे अभियंताओं में काफ़ी निराशा है। करा उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष यादव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग में सिविल व यांत्रिक संवर्ग के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता के पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें पदोन्नत से भरा जाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चयन वर्ष के प्रथम माह जुलाई में नियमित रूप से DPC किए जाने के शासन के निर्देश हैं। इसके बावजूद समय पर DPC की बैठक संपन्न न होने के कारण काफ़ी समय तक पद रिक्त रहते हैं। कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कार्य सिंचाई विभाग में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। कुछ अभियंताओं की जांच चल रही है। वही अधिशासी अभियंता के स्तर पर कई पद रिक्त हैं, लेकिन सहायक अभियंताओं की 7 वर्ष की सेवा पूरी नहीं हुई है। नियमानुसार प्रमोशन नहीं किया जा सकता है। विनोद निरंजन, प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग। अब देखिए कि कहाँ कितने पद खाली हैं, उसके बारे में आप बता देते हैं डिटेल से। करा सिंचाई विभाग में अभियंताओं के 243 पद रिक्त हैं। अब देखिए पद नाम, स्वीकृत पद, कार्यरत और रिक्त पद। देखिए प्रमुख अभियंता के कुल 3 पद स्वीकृत सिंचाई विभाग में हैं, कार्यरत हैं 2 और रिक्त है 1। मुख्य अभियंता स्तर 1 में कुल 12 पद स्वीकृत हैं, 10 लोग कार्यरत हैं, 2 खाली है। मुख्य अभियंता स्तर 2 कुल 37 पद स्वीकृत हैं, 37 भरे हुए हैं, 1 भी खाली नहीं है। अधीक्षण अभियंता के 137 पद हैं, 119 पद भरे हुए हैं, कार्यरत हैं और 18 पद खाली हैं। अधीक्षण अभियंता के अधिशासी अभियंता के 574 पद स्वीकृत हैं, 352 कार्यरत हैं और 222 पद खाली हैं। अब कह रहा है कि लोक निर्माण विभाग में 223 रिक्त पद हैं, 29 मुख्य अभियंता खाली है, 41 अधीक्षण अभियंता के पद खाली हैं, 153 अधिशासी अभियंता के पद खाली हैं। कह रहा है कि लोक निर्माण विभाग में अभियंता संवर्ग के कई पद रिक्त हैं, लेकिन कुछ मामले कोर्ट के विचाराधीन हैं। हालांकि शासन में फाइल भेजी जा चुकी है, उम्मीद है कि जल्द ही प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजपाल सिंह, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग। तो यानी इसमें कहा गया है कि पूरा जो है लोक निर्माण विभाग हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, सब में लगभग मुख्य इंजीनियर हो जो चीफ हैं, अधिशासी हैं और अधीक्षण अभियंता है, सबको कुल मिला जुला करके अभी 33% से ज़्यादा पद खाली हैं। और इन्हें जबकि प्रमोशन से भरना है, इसके बाद ही इनको भरा नहीं जा रहा है। जब जो मेन पद हैं अधीक्षण, चीफ और इनके पद खाली, इनके अलावा भी जो PWD के हैं उनके बहुत पद से खाली हैं। PWD में JEE और AE के तो और ज़्यादा पद खाली ही हैं, जिन पर अभी भी शासन को कोई अनुमति, शासन ने अभी तक उसका कोई विचार नहीं किया है। सो थैंक यू, धन्यवाद।